For the angle of minimum deviation of a prism to be equal to its refracting angle, the prism must be made of material whose refractive index. All India PMT Mains 2012 का question है, prism से related. सबसे पहले तो देखो यार, एक prism दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि जो इसका angle of minimum deviation है वह इसके refractive angle के बराबर है. जो refractive angle होता है ना prism का, वो होता है उसका prism angle. प्रिज्म एंगल का मतलब होता है कि जैसे ये मैंने कोई प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म की जिस सरफेस के ऊपर रे इंसिडेंट होगी वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है, और जहां से रे बाहर निकलेगी वो प्लेन ऑफ इमर्जेंस होता है. तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ इमर्जेंस के बीच में जो एंगल होता है उसको प्रिज्म एंगल कहते हैं या फिर रिफ्रेक्टिव एंगल कहते हैं. सबसे पहले तो मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है प्रिज्म का वो डेल एम होता है. डेल एम की वैल्यू मुझे ए के बराबर दी हुई है, ये मुझे कहा गया है. और मुझसे म्यू पूछा गया है, म्यू कितना होगा. देखो यार, म्यू, डेल एम और ए, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. किसी भी प्रिज्म के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन डेल एम प्लस ए अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू. ओके, अब आपको ये दिया हुआ कि डेल एम इज इक्वल टू ए है, तो मैं जो डेल एम है इसकी वैल्यू ए पुट करने जा रहा हूँ, मतलब डेल एम की जगह ए पुट कर रहा हूँ. देखो म्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, मैं ये आ जाएगा साइन ए एंड ए टू ए, टू ए अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू. देखो इस टू से टू कट गया और म्यू इज इक्वल टू आ गया साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू. अब इसको सॉल्व करना है सबसे पहले. तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा. तो साइन ए को लिख सकता हूं मैं टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, और नीचे है साइन ए बाई टू. देखो इस चीज को अच्छे से समझना है ना, साइन टू थीटा, जब यहाँ पे टू थीटा होता है ना तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, मतलब इस एंगल का आधा. तो साइन ए है ना, तो मैंने इसको टू साइन इस ए का हाफ यहाँ पे साइन ए बाई टू और ये कॉस ए बाई टू. अभी साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो म्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास में टू कॉस ए बाई टू, ये मेरे पास में म्यू आ गया. ओके, अब मुझे इस म्यू की प्रैक्टिकल वैल्यू चाहिए कि यार कौन सी वैल्यूज में मेरे को पॉसिबल हो सकती है. म्यू इज इक्वल टू टू कॉस ए बाई टू अगर मैं लिख रहा हूँ, तो एक बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब मैं मिनिमम डेविएशन की बात करता हूँ और यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है और यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर ई है, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में जब मिनिमम डेविएशन का ग्राफ बनता है इधर डेल और इधर जो है मैं एंगल ऑफ इंसिडेंसेस लूँ, तो ऐसा ग्राफ बनता है. इस ग्राफ में डेल की हर एक वैल्यू के लिए ये ग्राफ को दो पॉइंट्स पर कट करता है, एक तो आई और एक ई. लेकिन जो मिनिमम डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन की जब कंडीशन की बात होती है, ये मिनिमम डेविएशन, तब आई और ई आपस में बराबर होते हैं. ओके, और जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए. तो जो डेल एम है मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो ए के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर डेल एम की वैल्यू ए के बराबर पुट कर दी. जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है माइनस ए. ए इज इक्वल टू टू आई माइनस ए, तो टू आई इज इक्वल टू ए प्लस ए, टू आई इज इक्वल टू टू ए, टू से टू कैंसिल हो गया और आई की वैल्यू ए के बराबर आ गई. ये बहुत खास स्टेप है जो मैंने आपको बताई है, मतलब इस क्वेश्चन की जान है ये, यहाँ पर ये वाली जो स्टेप है. तो डेल एम का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से मैंने एक्सप्रेशन निकाल लिया कि मैं इस कंडीशन में जब डेल एम की वैल्यू में ए लिखता हूँ तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो प्रिज्म एंगल के बराबर होगा या रिफ्रेक्टिव एंगल के बराबर होगा. तो इस ए की जगह पे मैं यहाँ पे आई से रिप्लेस कर सकता हूँ. अगर मैं इसको आई से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये कॉस आई बाई टू हो जाएगा. अब मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए. अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेंज क्या हो सकती है यार. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इधर से रे आई तो जीरो हो सकता है, 10 डिग्री, 20, 30, 40, ऐसे पूरा 90 तक, ये रेंज है. ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेंज है.
एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर रेंज मेरे पास में ये है तो आई इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जीरो पुट कर देता हूँ तो म्यू की वैल्यू आ जाती है 2 cos 0/2। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो म्यू मेरे पास में 2 आ गया। और जब आई की वैल्यू 90 लेता हूँ तो 2 cos 90/2, 90/2 मतलब 45 डिग्री हो गया, और 45 डिग्री का मतलब 1/√2 होता है। यहाँ से मेरे पास में म्यू की वैल्यू निकल के √2, तो मेरे पास म्यू की वैल्यू आई इज़ इक्वल्स टू जीरो के लिए 2 हो सकती है और 90 डिग्री के लिए √2 हो सकती है। तो यही तो रेंज हो सकती है भैया, देखो जीरो से लेकर 90 डिग्री तक मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल सकता है। इसके लिए मेरे को म्यू की ये एक्सट्रीम वैल्यूज मिल गई। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड, इसकी वैल्यू √2 और 2 के बीच में लाई करेगी। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन, ये जो लास्ट में मैंने किया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से सोचना, बहुत अच्छे से, डेफिनेटली ये आपकी आगे भी और सवालों के अंदर बहुत मदद करेगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।